बॉलीवुड में डिस्को किंग के नाम से मशहूर सिंगर बप्पीलहरी साहब का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता अपरेश लहरी बंगाली गायक और माता बांसुरी लहरी बंगला की संगीतकार थी। और घर में संगीत का माहौल होने के कारण बप्पीलहरी साहब का भी रुझान संगीत की तरफ बचपन से ही हुआ और उन्होंने तय कर लिया कि वह आगे चलकर इसी में अपना करियर बनाएंगे और मशहूर संगीतकार बनेंगे। और दोस्तों महज 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। और बप्पीलहरी साहब को 19 साल की उम्र में बंगला फिल्म दादू में पहली बार गाने का मौका मिला। और इसके बाद बप्पीलहरी साहब ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और फिर उसके बाद मुंबई आ गए। और साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिला, लेकिन पहचान उन्हें 1975 में आई फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्हें किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों के साथ नथिंग इज पॉसिबल गाना गाने का मौका मिला। और इसके बाद तो उन्होंने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए। और उनके गाए गीतों में बम्बई से आया मेरा दोस्त, आई एम ए डिस्को डांसर, जुबी जुबी, याद आ रहा है तेरा प्यार, यार बिना चैन कहाँ रे, तम्मा तम्मा लागे और उलाला उलाला आदि शामिल हैं जो आज भी लोगों की जुबा पर चढ़े हुए हैं। और संगीत के अलावा उनकी एक और पहचान है सोना। बप्पी दा को सोना यानी गोल्ड बहुत पसंद है, इसलिए वह सोने की मोटी चैन और हाथों में सोने की भारी अंगूठियां पहने हुए रहते हैं। बप्पीलहरी साहब को सब प्यार से बप्पी दा भी कहते हैं। और बप्पीलहरी साहब बॉलीवुड के पहले ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी गायकी में रॉक और डिस्को का तड़का लगाकर बॉलीवुड को एक नए संगीत से रूबरू कराते हुए म्यूजिक को नई दिशा दी और दर्शकों को अपनी धुन पर झूमने पर मजबूर किया। और कल था बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक व संगीतकार बप्पीलहरी साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से बप्पीलहरी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।